रोहित विराट को मिली चेतावनी, बीसीसीआई ने लगा दी फटकार, कहा आईपीएल ने ठेका नहीं लिया है। जी हां, एक तरफ आईपीएल सीजन 17 का फाइनल खेला जाना है तो वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका रवाना हो चुकी है। लेकिन इससे पहले बीसीसीआई की तरफ से टीम इंडिया के सबसे सीनियर खिलाड़ियों को एक बड़ी फटकार लगी है और यह फटकार लगाने वाले शख्स हैं आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमर जी। जी हाँ, आपने सही सुना, बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सबसे सीनियर खिलाड़ियों को फटकार लगाई है और यह फटकार लगाने वाले शख्स हैं आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमर, जिन्होंने खास मुद्दे पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों की नाराजगी को कड़े शब्दों में करारा जवाब दिया। अब क्या है यह पूरा मामला, चलिए मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बता देता हूँ। दरअसल आईपीएल सीजन 17 के दौरान इंपैक्ट प्लेयर नियम की कई खिलाड़ियों ने निंदा की थी, खासतौर से टीम इंडिया के जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी इंपैक्ट प्लेयर नियम को अपने शब्दों में निंदा की थी, चाहे वो टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा हो, पूर्व कप्तान विराट कोहली हो, जसप्रीत बुमराह हो या टीम इंडिया के कई क्रिकेटर्स, कमेंटेटर से लेकर विदेशी क्रिकेटर्स ने भी आईपीएल के इंपैक्ट प्लेयर नियम की निंदा की थी और ज़्यादातर खिलाड़ियों ने एक राय में यह बात कही थी कि इंपैक्ट प्लेयर नियम एक ऐसा नियम है जो कि एक एंटरटेनमेंट के लिहाज से तो सही हो सकता है कि यह मैच को रोमांचक बना देता है, एक टीम जो हार रही होती है उसके लिए भी जीत के चांसेस क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर टीम के पर्सपेक्टिव में देखा जाए, खासतौर से किसी ऑलराउंडर खिलाड़ी के पर्सपेक्टिव से के नज़रिए से तो देखा जाए तो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी इसमें ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ज़रूरत के वक्त आप एक कप्तान के तौर पर स्पेशलिस्ट खिलाड़ी को मैदान में उतार देंगे तो ऑलराउंडर खिलाड़ियों की जो भूमिका है वह आईपीएल के दौरान काफ़ी कम नज़र आई और यही बात ज़्यादातर टीम इंडिया के जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने इंपैक्ट प्लेयर के नियम की निंदा करते हुए अपने शब्दों में बताई थी। लेकिन अब आईपीएल के रमन अरुण धूमल से इसी सवाल का जवाब जब मांगा गया तो अरुण धूमल ने उल्टा टीम इंडिया के ही क्रिकेटर्स को निशाने पर लिया। अरुण धूमल ने सभी को कह दिया कि भाई आईपीएल ने कोई ठेका थोड़ी लिया है ऑलराउंडर तैयार करने का। अब क्या कहा है अरुण धूमल ने, अब ये सुनिए। अरुण धूमल कहते हैं, क्या क्रिकेट में ऑलराउंडर खिलाड़ी तैयार करने की जिम्मेदारी सिर्फ आईपीएल पर ही है? बीसीसीआई एक साल में 2000 से ज्यादा क्रिकेट मैच आयोजित कर रहा है जहां खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है, चाहे विजय हार ट्रॉफी हो, चाहे विजय जार ट्रॉफी हो, सर मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, अंडर 16, अंडर 19, बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं और देखा जाए तो सभी बेहतरीन ऑलराउंडर्स अभी भी टीम का हिस्सा हैं। इसलिए आपको टीम का हिस्सा बनने के लिए एक ऑलराउंडर के रूप में अपना बेंचमार्क बढ़ाना होगा। अब अरुण धूमल की बात करें जो कि आईपीएल के चेयरमैन हैं, बीसीसीआई की काफी सीनियर पोस्ट के अधिकारी हैं, अगर वो यह बात कह रहा है कि भाई इम्पैक्ट प्ले नियम की ही आप क्यों निंदा कर रहे हो, आईपीएल से इस नियम को हटा देना चाहिए, तो यहाँ पर उनका यह कहना बीसीसीआई का पक्ष साफ करता है कि अभी तो भाई ये जो इम्पैक्ट प्लेयर नियम है ये आगे भी कुछ वक्त तक कंटिन्यू रहेगा। हाल ही में हमने देखा कि बीसीसीआई सचिन जैसा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इम्पैक्ट प्लेयर नियम जो है अभी भी ट्रायल फेज में है, इस पर लोगों के फीडबैक लिए जा रहे हैं, तमाम आईपीएल की टीम के मालिकों से भी उनकी राय जानने की कोशिश की जाएगी, क्रिकेट के एक्सपर्ट से पूछा जाएगा और ओवरऑल जो यह फीडबैक होगा उसके बाद ही बीसीसीआई ये फैसला लेगी। लेकिन यहाँ पर अगर अरुण धूमल ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को ही अपने खेल के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना होगा, बेंचमार्क अपने बढ़ाने होंगे, तो यह बात काफ़ी हद तक साफ हो जाती है कि बीसीसीआई अभी फिलहाल इम्पैक्ट प्लेयर नियम को शायद ही हटाएंगे और अगर ऐसा होता है तो ऑलराउंडर्स के लिए आने वाला वक्त ऐसा ही रहेगा जैसा कि आईपीएल सीजन 17 में रहा। हमने देखा कि आईपीएल सीजन 17 में ऐसे कई ऑलराउंडर्स थे जिन्हें गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला, मसलन केकेआर के जो ऑलराउंडर है वेंकटेश अय्यर, इन्हें देख लीजिए पूरा आईपीएल सीजन में उन्होंने बहुत कम गेंदबाजी की, शायद की ही नहीं। अभिषेक शर्मा सनराइजर्स हैदराबाद के लिए दूसरे क्वालिफायर मैच में एक बड़े गेम चेंजर साबित हुए अपनी गेंद से, लेकिन उन्होंने आईपीएल के सीजन में गेंदबाजी की ही नहीं, पैट कमिंस ने उनसे करवाई नहीं, उन्हें लगा कि भाई इनसे क्या गेंदबाजी करानी है, हमारे पास स्पेशलिस्ट गेंदबाज है। और कई ऐसे खिलाड़ी हैं चाहे पंजाब के खिलाड़ी हों या दिल्ली के खिलाड़ी हों, इंपैक्ट प्लेयर नियम के चलते बार बार राउंडर्स जो थे वो साइड लाइन किए जाते रहे और स्पेशली इस खिलाड़ियों को मैदान पर आने का मौका मिलता रहा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फिलहाल यह जो विवादित नियम है, जो कंट्रोवर्सियल इम्पैक्ट प्लेयर नियम है, यह फिलहाल बीसीसीआई से नहीं हटाने वाली और जो खिलाड़ी इसकी अब निंदा करेंगे, जो खिलाड़ी इस नियम के खिलाफ बोलेंगे, हो सकता है उल्टा उन्हीं से सवाल पूछ लिया जाए। क्या है आपकी राय इस नियम को लेकर और बीसीसीआई के दिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों को जवाब को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।